अभी करेंगे पास वाली काम। नहीं रेसिपी भी लिखी गई है। आपने कभी खाया इस तरह से? ये ना कॉन्टिनेंटल डिशेज विद पाकिस्तानी टच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल इन वन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, मज़े में हैं, फिट फाट हैं और इस दुआ के साथ के जहां रहें खुश रहें। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो जी आज कल क्लास में चल रही हैं कॉन्टिनेंटल डिशेस और आज बना रहे हैं सर अबू ज़र चिकन स्टर्नफ विद मैश पोटैटो। और सेकेंड रेसिपी आज बन रही है कॉन्टिनेंटल डिशेज़ में बटर फ्राइड चिकन, और दोनों ही बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपीज़ बनी थी। और इंशाल्लाह इन दोनों की रेसिपी जो हम क्लास में हमने सीखी है आप देख रहे हैं, कुछ कुछ टचेज इसमें मैंने क्लिप्स ऐड किए हैं और ये कंप्लीट जो है वीडियो मैंने कहा तो क्योंकि लंबी काफ़ी हो रही थी वीडियो, तो मैं डिटेल में इसकी सेपरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो इन्हीं की रेसिपीज़ की आएगी। और बहुत ही मज़ेदार ये दोनों डिशेज़ बनी थी और आज की वीडियो बड़ी फ़नी होने वाली है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप देखें इस वीडियो को एंड तक। और आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो शेफ़ कोर्स में तो आजकल नेफटेक की तरफ से बिल्कुल फ्री कोर्सेज़ आए हुए हैं, बेकिंग के भी हैं उसमें और प्रोफेशनल शेफ़ ट्रेनिंग के भी हैं, होटल मैनेजमेंट के भी हैं। और मैं ख़ुद बाकायदा उसमें ले रहा हूँ, क्या कहते हैं बेकिंग में मुझे इंटरेस्ट रहा था उसमें मैं एडमिशन ले रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से करवा रहे हैं नेफटेक वाले, तो हमारे कॉलेज में भी हो रहे हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसमें पूछ सकते हैं और मज़ीद आप अपने नेट वगैरह से सर्च कर सकते हैं किसी एडमिशन वगैरह लेना हो। अगर मुझसे कोई बात पूछ रही तो आपको मिस करके मिस कर सकते हो। ठीक है, साइड में पहले सेंटर में डाल दो, ऐसे ना करो उस अली, अच्छी बात नहीं है। जो है क्रीम ऐड कर देंगे, क्रीम ऐड की, ठीक है मिल्क क्रीम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून और हाफ के जी टेबल पोटैटो। ओह वाह क्या मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये बच्चे इस तरह से क्लास में लिखते हैं साथ साथ, ये उस अली लिख रहा है अच्छी है, फिर भी कैमरे में बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे इसमें, कितना बटर है तकरीबन? 20 ग्राम 20 ग्राम बटर इसमें ऐड कर देंगे। क्रीम 3 से 4 टेबल स्पून थ्री से फोर टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे, ग्रेवी टाइप करनी है, मिल्क ऐड कर दिया। अच्छे से इसमें मैंने अभी सॉल्ट नहीं डाला क्योंकि पानी भी डाला था हमने। अभी करेंगे जी प्लेटिंग। वाह 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 मैश पोटैटो के पानी तो नहीं लगाया, अरे खुद ही निकल रहा है। ठीक है सही है निकल रहा है। इसमें मैं सॉस का निकाल के उसमें डाल दो, नीचे बड़ा सॉस गरम गरम है सही है इसलिए निकल निकल आएगा ठंडा होगा तो। ये मैश पोटैटो और इन्हें सर धूप हमारी मर्जी का होगा जी जी, एक से बाद कुछ 2 मिनट वीडियो बंद लेने दे। इतनी नहीं नहीं ठीक है बस ब्लैक ऑलिव्स अगर पास में हो पार्सले होता फ्रेश इसे घुमाओ थोड़ा सा, प्लेट को घुमाओ ज़बरदस्त। ओके रेडी, और बहुत ही मज़ेदार जो है ये चिकन स्टर्नफ विद मैश पोटैटो रेडी है, इसे हम खाएंगे फिर बताएंगे। सर आए आप
चुप चुप आप लोग तो चुप करो। सबसे मजे का काम जो उसामा कर रहा है इस टाइम में, उसामा चल दे डाल भाई, भूख बहुत लगी हुई है, तू डिलीशियस बाहर चुका ली अपना। अब हम पहले जी कॉन्टिनेंट हम वैसे टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमने नान भी मंगवाए हुए हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है ना, आपको पता है कॉन्टिनेंटल को विद नान देखिए कितना मजा आएगा, आपको बताते हैं। बोले काम जरा वीडियो रिकॉर्ड बातें आ जाएंगे, हम बाद में बातें कर लेंगे, नहीं खेलता पहले चेक करेंगे बैटर फ्राइड चिकन, इस कैमरे पे देख लें बैटर या है चिकन दे रहा है या सॉल्टेड बटर है, नान बाद में खाएंगे, नहीं इसको सॉल्ट ऐड किया था जब हम इसको सर बॉईल कर रहे थे तब इसमें कोई चीज खराब है, मजे का नहीं शबास कहने लगी थी जी, जैसे सर आ देखो इसके अंदर कोई चीज फर्क है, फर्क बाद में कर लेना, अब अंदर कड़े बातें हो रही सारी लोगों का, नया चंगे बात भी खाए भी जाते गल कर जाता ये मजा का उसने कहा मैं खाऊंगी मैंने कहा हम हैं श्योर, हमें चार्जेस बता दो, सही है, लेकिन मैंने कहा तुमने हमारे से डिस्काउंट करना है, हम स्टूडेंट्स दूसरे हैं, सही बात है, कहती बात मैश बना लो, कोई बात नहीं करवा दो, मैंने कहा हफ्ते में दो दिन दो हमें, लेकिन हमें टाइम दो, कहती ठीक है, अच्छे भी, लेकिन बटर है वो मुझे पसंद नहीं है, जो इस टाइम पे बेकिंग शेफ है ना उसने उनसे सीखा है, अच्छा पाकिस्तानी काम नहीं रेसिपी भी लिखी गई, आपने कभी खाया इस तरह से ये कॉन्टिनेंटल डिशेज विद पाकिस्तानी टच, सारी क्लास बड़ी खुश होती है, ये ले आप ही ले, मेरा एक नान छोड़ दो बस, मेरा भी ये कॉन्टिनेंट साथ पाकिस्तान ये देखो आज मैं शेफ लेके गया, क्या प्यारी लग रही है वैसे ना वो जो सबने देखा था, बहुत प्यारी अच्छी है ये, ज्यादा मजा बनता है, टाइम में ग्रेस पुट्टे सीधा खाते रहते हैं, हां बनती बड़ी तसल्ली से आराम से सिखाते हैं, खाना शाना खा लिया, बहुत ही मजेदार सा बना, और आप जी चाय बना रहे हैं चाय, और ये अल्हा सुल्तान भाई और इनकी बारी हार भांडे धो रहे हैं, भांडे धो रहे चाय बना ले, पहले पानी छानी चढ़ाया जी, अगर आपने मज़ेदार चाय बनानी हो तो जितना इसे फेंटेंगे दूध को उतनी मज़ेदार आपकी चाय बनेगी, ठीक है बस बन गई जितना इसे फेंटेंगे झाग आएगी, दूध का वॉल्यूम डबल होगा, उतनी ही आपकी मज़ेदार चाय बनेगी, ठीक है बस आज चाय की बारी मेरी लगी हुई है, मैं बना रहा हूँ मज़ेदार चाय, चलो ठीक है मुझे मज़ा बनी, तला भाई तला भाई कैसी बनी है चाय, मैंने नहीं कहा तारीफ करने को, खुद ही कहा है, नहीं जो 20 रुपए तो आपने अभी दिए नहीं, मैंने दिए नहीं आपको, अच्छी बनी है ना,
स्टॉल लगा सकते हैं फिर जाएगा जी जरूर लगा आके लगा ले सरगोधा भाई की मैंने आपको कुछ वीडियो पहले वीडियो में बताया था कॉलेज वाली ये वो भाई है जो सरगोधा से आते हैं रोजाना और सरगोधा जाते हैं मैंने कहा ऐसे बंदे भी हिम्मत वाले दो घंटे का रोजाना सफर करते हैं और फेस्टिवल आते हैं यहाँ पे दो घंटे की क्लास लेते हैं और फिर दोबारा जाते हैं सरगोधा वापस ऐसे है भाई अभी बात जल्दी है कि ये टाइम गाड़ी का गुजर है तो मैं जल्दी चला जाऊँ लेकिन चाय पीने के लिए रुकी है फ्री वाली फ्री में मिली है ना सिर्फ आपकी चाय भाई चले चले आपकी आपकी ओ जी पूछते हैं अपने दूसरे कैसी बनी है चाय अच्छी बनी है अच्छी बनी मजा आया बहुत मजे की अच्छा नान का कैसा मजा आया कॉन्टिनेंटल के साथ वो तो हम पाकिस्तानी टच तो देना है अपना पाकिस्तानी और हमारे शेफ जो यहाँ पे सावा भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है इन्हें भी आज हमने टेस्ट करवाया हमने कहा नान के साथ है मजा आया फिर बहुत मजा आया चाय कैसी बनी है अमेजिंग बहुत शुक्रिया आपका आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको पता चल जाए इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी एक अच्छे नई वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त अल्लाह हाफिज़